हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज़ दोस्तों, जो कि उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर के नाम से चल रही है, इसमें हम आपको दोस्तों स्पेशल टॉपिक करवा रहे हैं जो कि उत्तराखंड एलटी में सबसे ज़्यादा जिनके आने की संभावना रहेगी, इनसे दोस्तों आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। इससे पहले दोस्तों हमने आपको उत्तराखंड में स्टेट प्रोफाइल दोस्तों बताया था, उसको आप जरूर देख लेना, उससे भी आपके काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे उत्तराखंड एलटी में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है मुदालियर आयोग। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्लास को पूरा देखें। इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको कई सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, लिंक अबाउट सेक्शन में है। नोट्स चाहिए तो भी दोस्तों आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मुदालियर कमीशन के बारे में, जिसको कि दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। दोस्तों हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद दोस्तों उच्च शिक्षा के लिए 1948 में दोस्तों राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था, जिसको कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। 1949 में दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उच्च शिक्षा के संबंध में दोस्तों महत्वपूर्ण सुझाव दिए, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने यह भी बोला कि अगर आपको उच्च शिक्षा को सही करना है तो उसके लिए माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाना जरूरी है। उच्च शिक्षा का स्तर तभी उठेगा जब माध्यमिक शिक्षा का स्तर भी दोस्तों उठेगा। तो इसी क्रम में दोस्तों 1951 में जो भारतीय सरकार है दोस्तों, उन्होंने एक कमीशन गठित करने का प्रस्ताव किया जो कि पूरे माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव दे। तो इसी को दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग बोला गया और इसी के क्रम में दोस्तों इसका गठन हुआ था। हालांकि इससे पहले दोस्तों एक ताराचंद समिति थी जिसका गठन दोस्तों 1948 में हो चुका था। ये ताराचंद समिति दोस्तों, इसका गठन इसीलिए किया गया था ताकि ये उस समय पर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव दे, ठीक है। और इसने भी अपनी रिपोर्ट दोस्तों 1949 में प्रस्तुत की थी, लेकिन इसके जो सुझाव थे वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे, जिसको कि बाद में दोस्तों नकार दिया गया। फिर दोस्तों 1951 में जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने फिर दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग की दोस्तों नियुक्ति का प्रस्ताव रखा और इसी के क्रम में दोस्तों फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसको कि मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके गठन की दोस्तों हम तारीख को याद करेंगे, इसका गठन है 23 सितंबर 1952 और दोस्तों कुलपति थे ये मद्रास विश्वविद्यालय के, जिनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। तत्कालीन कुलपति थे मद्रास विद्यालय, इनकी अध्यक्षता में दोस्तों मुदालियर कमीशन गठित हुआ था जिसका नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो कब गठित हुआ था दोस्तों? ये 23 सितंबर 1952 को। इसमें दोस्तों अन्य सदस्य भी थे, अन्य सदस्य दोस्तों कौन कौन थे उसका भी नाम याद कर लो। ये हैं डॉक्टर के एल श्रीमाली, डॉक्टर के जी सैयदिन, श्रीमती हंसा मेहता, श्री जॉन क्राइस्ट और श्री कैनथ रस्ट। ये सभी दोस्तों आपके प्रमुख लोग हैं जो कि महत्वपूर्ण लोग थे मुदालियर कमीशन के, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से दोस्तों? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर तत्कालीन दोस्तों ये अध्यक्ष थे। अब बात करेंगे दोस्तों कि आयोग की उद्देश्य क्या था, इसका गठन क्यों हुआ था, ठीक है। तो आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य क्या थे दोस्तों? सिंपल सी बात है, इसका कार्यक्षेत्र क्या था? तो भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना और उसके पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना, यही दोस्तों इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें दोस्तों इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और संगठन का अध्ययन करना था, इनका कार्यक्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। इसके अलावा इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण स्तर का अध्ययन करना था, ये सब इनका कार्यक्षेत्र था। ऐसे ही माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की इनको समीक्षा करनी थी, ओके। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों सभी का दोस्तों इन्होंने अध्ययन करना था। माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना था, कैसी उस समय पर स्थिति दोस्तों चल रही है, ठीक है। इसके अलावा जो माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना, उसमें सुधार के लिए सुझाव देने थे। माध्यमिक शिक्षा की जितनी भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करना और उनको दूर करने के उपाय खोजना। तो ये इनका दोस्तों कार्यक्षेत्र था और उद्देश्य दोस्तों ये था कि भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना और उसके पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना। अब बात करेंगे दोस्तों आयोग का प्रतिवेदन। तो आयोग ने दोस्तों अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी वो प्रस्तुत करी थी 29 अगस्त 1953 में। तो 29 अगस्त 1953 में दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। इसके लिए दोस्तों इन्होंने दो मेथड्स अपनाई थी, एक थी प्रश्नावली और दूसरी थी दोस्तों सर्वे।
प्रश्नावली मेथड से इन्होंने दोस्तों क्या किया कि प्रश्नावली बांटी जगह जगह दोस्तों माध्यमिक विद्यालयों में, जो शिक्षाविदों को दोस्तों उन्होंने प्रश्नावली और कुछ प्रश्नों को दोस्तों भेजा उसके आधार पर। उसके अलावा दोस्तों सर्वे इन्होंने किया, पूरे देश का दोस्तों निरीक्षण किया, जगह जगह माध्यमिक स्कूलों की स्थिति देखी और फिर उसके आधार पर दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, जो कि काफ़ी बड़ी दोस्तों रिपोर्ट थी, जिसमें कुल मिला के दोस्तों 244 पृष्ठ की इनकी रिपोर्ट थी और केवल मतलब देखा जाए 14 प्रकरणों पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दोस्तों प्रस्तुत करी थी। तो 14 प्रकरण थे और 244 दोस्तों पृष्ठ थी, तो काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी दोस्तों रिपोर्ट थी। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में। अब बात करेंगे दोस्तों इनके सुझाव के बारे में, यानी कि उस समय पर जो मुदालियर आयोग हैं इनके द्वारा क्या क्या सुझाव दिए थे। सबसे पहले मुदालियर आयोग ने दोस्तों अपने प्रतिवेदन में तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा पर जो भी दोष चल रहे थे उसकी ओर को सरकार का ध्यान आकर्षित किया और इनके जो सुझाव हैं इनको यहाँ पर हमने क्रमबद्ध किया, शॉर्ट में दोस्तों बताया है, तो इनको जरा से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जब विस्तृत दोस्तों इन्होंने सर्वेक्षण किया तो उन्होंने क्या क्या पाया, इन्होंने सबसे पहले दोस्तों ने पाया कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है इसमें छात्रों के सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व आदि गुणों का दोस्तों विकास नहीं करती है। ठीक है, इनका सिंपली यही उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयार कराना। ओके, तो माध्यमिक शिक्षा क्या है, छात्रों को सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व आदि के गुणों का विकास नहीं करती, वो केवल परीक्षा पास करने से संबंधित है, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से संबंधित है। इसके अलावा पाठ्यक्रम बिल्कुल अव्यवहारिक है, यानी कि व्यावहारिक जीवन से इसका कोई संबंध है ही नहीं। इसके अलावा पाठ्यक्रम संकीर्ण है, एकांगी है, ये बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं करता है। इसके अलावा अंग्रेजी उस समय पर पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय बनी हुई थी, तो इस कारण से ये तत्कालीन दोष था जिसकी ओर इन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया। इसके अलावा जो शिक्षण विधियां हैं वो भी दोषपूर्ण हैं और उन शिक्षण विधियों का प्रयोग सही से नहीं किया जा रहा, उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग अच्छे से नहीं किया जा रहा, समय सारणी भी सही नहीं है, छात्रों की संख्या बहुत अधिक है जिसके कारण से जो शिक्षक छात्र अनुपात जो होना चाहिए वो नहीं है और शिक्षकों और छात्रों के बीच में जो निकट संबंध होना चाहिए वो स्थापित नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति के भी कोई उचित मानदंड नहीं है, इस कारण से योग्य शिक्षक नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा सहपाठ्यचारी क्रियाओं की उचित व्यवस्था नहीं है, को करिकुलम एक्टिविटी होनी चाहिए और जो परीक्षा प्रणाली है वो भी बहुत दोषपूर्ण है और बच्चों के ज्ञान और कौशल की सही तरीके से परख नहीं हो पा रही है। तो ये थे तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष जिनकी ओर मुदालियर आयोग ने सरकार का ध्यान सबसे पहले आकर्षित करवाया। अब दोस्तों ब्रॉडली हम जानेंगे कि इनके क्या क्या सुझाव दोस्तों दिए गए थे, किस किस एरिया में दोस्तों इनके द्वारा सुझाव दिए गए थे। तो सबसे पहले दोस्तों जब इन्होंने समस्याओं के बारे में बताया कि क्या क्या कमियां हैं, उसके बाद दोस्तों इन समस्याओं के सॉल्यूशन के भी इन्होंने बताए, इनका सॉल्यूशन भी दोस्तों इन्होंने बताया अपनी तरफ से। तो देखिए क्या क्या इन्होंने सुझाव दिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव, ठीक है, तो इसके माध्यम से दोस्तों इन्होंने सबसे पहले प्रशासनिक ढांचे में जो जो सुझाव दिए उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जैसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होता है सेंट्रल में, उसी तरह से प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने यही बोला कि जैसे केंद्र में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है वैसे ही प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रांत का शिक्षा निदेशक होगा वो इसका पदीन अध्यक्ष होना चाहिए। जो बोर्ड है वो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाएगा, माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देगा, उनको निरीक्षण करेगा और अंतिम वर्ष में परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देने का कार्य करेगा। ये सभी दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्डों से संबंधित इनके द्वारा सुझाव दिए गए थे। इसके अलावा जो शिक्षा निदेशक है उसका कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना भी रहेगा और इसके अलावा व्यक्तिगत विद्यालयों का प्रबंध भी कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रबंधन समितियों के द्वारा ही हो, यानी कि जो आपके व्यक्तिगत विद्यालय हैं उनका प्रबंधन कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो शिक्षकों की नियुक्तियाँ होनी चाहिए वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो तकनीकी शिक्षा बोर्ड है उसको भी स्थापित किया जाए,
तकनीकी शिक्षा बोर्ड तकनीकी शिक्षा व्यवस्था के लिए और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के वो निर्देशन के अंतर्गत कार्य करे। तो ये दोस्तों प्रशासनिक ढांचे से संबंधित इनके सुझाव थे। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वित्त व्यवस्था, वित्त व्यवस्था के संदर्भ में उनके क्या क्या सुझाव थे। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकारों पर होना चाहिए, फिर भी केंद्रीय सरकार उनमें समय समय पर अपनी सहायता देती रहे, लेकिन शिक्षा का पूरा दायित्व वो प्रांतीय सरकारों पर होना चाहिए। ओके, इसके अलावा माध्यमिक स्कूलों को जो दिए वाला जो दान है वो आयकर से मुक्त होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा जो भूमि की व्यवस्था है वो यथासंभव निःशुल्क होनी चाहिए, मतलब कि जो सरकार है वो माध्यमिक स्कूलों के लिए भूमि की व्यवस्था करे और वो निःशुल्क करे। इसके अलावा क्रय की गई सामग्री कस्टम चुंगी आदि से क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। जो भी माध्यमिक स्कूल कोई भी सामग्री खरीदते हैं तो उसमें कस्टम नहीं लगना चाहिए। ओके, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाना चाहिए ताकि तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड करवाई जा सके, तो उद्योगों पर कर लगाया जाना चाहिए। ओके, इसके अलावा विद्यालयों को मान्यता, अब विद्यालयों को मान्यता के संबंधी इन्होंने क्या सुझाव दिए, देखिए मान्यता देने के संदर्भ में नियमों का पालन बिल्कुल कठोरता से होना चाहिए और मान्यता तभी दी जानी चाहिए जब वह मान्यता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करे। इसके अलावा प्रबंध समितियां मान्यता प्राप्त करने के बाद अगर विद्यालयों को सही तरह से ना चला पाए तो उनको चेतावनी दी जाए, और फिर भी अगर वो असमर्थ होते हैं तो फिर उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। इसके अलावा विद्यालयों की निरीक्षण संबंधी क्या क्या सुझाव दिए गए, देखिए दोस्तों ये प्रशासन और वित्त संबंधी सुझाव चल रहे हैं। तो देखिए, निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक होने चाहिए, विद्यालयों का अगर आपने निरीक्षण करना है तो पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा निरीक्षक मंडल है, इसमें विद्यालय निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी प्राध्यापक भी होने चाहिए। इसके अलावा निश्चित समय के अंतर्गत में निरीक्षण होना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। ओके, इसके अलावा जो निरीक्षण मंडल है वो विद्यालय के गुण दोषों को उजागर करे और उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करे। ठीक है, ये सभी निरीक्षण से संबंधित सुझाव थे। अब बात करेंगे दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के संगठन से संबंधित क्या क्या सुझाव इनके द्वारा दिए गए। तो देखिए दोस्तों, पहला सुझाव इनका था कि माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद दी जाए, यानी कि जूनियर बेसिक के बाद सीधे सीधे माध्यमिक शिक्षा दी जानी चाहिए, और ये जो शिक्षा है दोस्तों वो 11 से लेकर 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए होनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के 7 वर्ष की अवधि की दोस्तों ये होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इसको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा को। 3 वर्षीय दोस्तों ये आपकी माध्यमिक होगी, 3 वर्षीय माध्यमिक, ठीक है, या फिर आप इसको सीनियर बेसिक बोल सकते हैं, और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो 7 वर्ष की शिक्षा है उसको 2 भागों में बांटा है, 3 वर्षीय माध्यमिक या सीनियर बेसिक और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक। ओके, इसके बाद उन्होंने बोला कि जो इंटरमीडिएट की कक्षा है उसको समाप्त कर दिया जाए और 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ दिया जाए और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। ठीक है, और कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्रों को 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स करने के बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। ठीक है, मतलब कि जब आप 11th कक्षा को जोड़ देंगे नीचे, मतलब इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त करके 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ देंगे, 12वीं कक्षा को आप डिग्री कोर्स में दोस्तों जोड़ देंगे। ठीक है, और देखिए, जब तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित नहीं किया जाता है तब तक यही होगा कि जो कक्षा 10वीं में जो उत्तीर्ण छात्र होंगे उनको 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स करना होगा और उसके बाद ही उनको विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था इनके द्वारा बनाई गई। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में जिन पाठ्यक्रमों में जैसे कि कृषि इंजीनियरिंग और मेडिकल में न्यूनतम प्रवेश योग्यता इंटरमीडिएट मांगी जाती है उनमें प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक के बाद यानी कि इसके बाद 1 वर्ष का पूर्व व्यावहारिक पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाए। ठीक है, तो जहाँ पर योग्यता इंटरमीडिएट मांगी जाती है तो वहाँ पर ये होना चाहिए कि आप उच्चतर माध्यमिक के बाद, जब आप उच्चतर माध्यमिक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 1 वर्ष का पूर्व व्यावहारिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, उसके बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। ओके, इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएँ। ठीक है, और इसके अलावा जैसे बहुउद्देशीय स्कूल जहाँ पर मल्टीपर्पज़ स्कूल होते हैं, जहाँ पर आपको स्कूल में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाएँ,
जिसमें सामान्य शिक्षा के संग साथ दोस्तों कुछ व्यवसाय की शिक्षा भी दी जाए, जैसे कि कताई बुनाई, सिलाई, चमड़े का काम, लकड़ी का काम आदि की व्यवस्था दी जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों की मदद से कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज दोस्तों खोले जाएँ। पब्लिक स्कूलों को चलने दिया जाए, परंतु यह भी देखा जाए कि वे राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप हैं या नहीं है। ओके, इस तरह के दोस्तों इनके द्वारा सुझाव दिए गए थे। इसके अलावा जो आवासीय माध्यमिक विद्यालय हैं, इनको बड़ी संख्या में दोस्तों खोला जाए, ठीक है। आवासीय महाविद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाए, जहाँ खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर आपकी माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा आवासीय दिवस विद्यालय भी खोले जाएं, जहां बच्चे प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक रहें। तो इस प्रकार के विद्यालय खोलने की भी इन्होंने व्यवस्था करी। यहां पर मध्याह्न भोजन की भी इन्होंने बात करी थी। इसके अलावा विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोलने की इनके द्वारा बात की गई, और बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय भी खोले जाएँ। ओके, और सामान्य माध्यमिक विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था की भी इन्होंने बात करी है। सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन, जिसमें बालक और बालिकाएं साथ में पढ़ सकें। तो ये इनके माध्यमिक शिक्षा के संगठन से संबंधित सुझाव थे। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य के संबंधी इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। तो इन्होंने यही माना कि दोस्तों जो माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सबसे पहले छात्रों में लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास हो, ठीक है। उनमें लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास हो, तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या होते हैं, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, न्याय, इन सब के गुणों का दोस्तों उनमें क्या हो, विकास हो, ठीक है। एक दूसरे के प्रति वो प्रेम भाव रखें, कोई वर्ग भेद ना करें, ठीक है, सांप्रदायिक उन्माद से दूर रहें, ठीक है, न्यायपूर्ण व्यवहार करने में उनको प्रशिक्षित करना है। तो छात्रों में लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना है। इसके अलावा छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना है, ठीक है। यानी कि जो भी बच्चा है, अगर वो मान लेते हैं माध्यमिक शिक्षा जब कंप्लीट करता है, तो फिर वो व्यावसायिक रूप से भी कुशल होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है, व्यक्तित्व का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने व्यक्तित्व को बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ने माना है, ठीक है। तो व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा छात्रों में नेतृत्व शक्ति का भी विकास होना चाहिए, लीडरशिप गुण का भी विकास होना चाहिए, ठीक है। कुशल नेतृत्व बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो नेतृत्व का विकास भी इन्होंने बोला है। तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संबंधी इन्होंने सुझाव होने चाहिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि छात्रों में लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास हो, व्यवसायिक कुशलता का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, छात्रों में नेतृत्व शक्ति का विकास हो। इसके बाद इन्होंने पाठ्यचर्या संबंधी क्या सुझाव दिए। देखिए, पाठ्यचर्या के बारे में इन्होंने सिंपली ये बोला कि जो पाठ्यचर्या है वो वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, वो व्यापक होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिससे कि छात्र अपने रुचियों के अनुसार विषय का चयन कर सकें। इसके अलावा पाठ्यचर्या में ऐसे विषय का समावेशन हो जिनसे छात्र अपने अवकाश के समय पर उनका सदुपयोग कर सकें। इसके अलावा पाठ्यचर्या के समस्त विषयों एवं क्रियाओं में आपस में कोरिलेशन होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि इन्होंने निम्न माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या से संबंधित क्या इन्होंने सुझाव दिए थे, जो शुरुआती 3 वर्ष की दोस्तों बात हो रही है, ठीक है, जिसको सीनियर बेसिक पाठ्यचर्या और माध्यमिक स्कूलों के निम्न माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या में समानता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या इन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों इन्होंने बताई। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जो सीनियर बेसिक पाठ्यचर्या और माध्यमिक स्कूलों के निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में थोड़ा समानता होनी चाहिए और ये पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जो निम्न माध्यमिक स्कूल है उनको सीनियर बेसिक स्कूल भी बोला गया है, तो इन दोनों में पाठ्यचर्या सेम होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने यही बोला कि हमें मातृभाषा में, देखिए, मातृभाषा तो रखनी रखनी है, विषय में देना है। इसके अलावा राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो उसको कोई भी संघीय भाषा जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं, ठीक है, या कोई भी अन्य संघीय भाषा, ठीक है, उनको होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, या फिर कोई अन्य संघीय भाषा जिनकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी, ओके, इनको इन्होंने महत्वपूर्ण माना। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, ये महत्वपूर्ण माना, गणित, कला और संगीत, हस्तशिल्प, शारीरिक शिक्षा, इन सभी के बारे में ये शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों बात आती है उच्च माध्यमिक शिक्षा। उच्च माध्यमिक शिक्षा को भी दोस्तों इन्होंने 7 वर्गों में दोस्तों डिवाइड किया और 7 वर्गों के अकॉर्डिंग ही दोस्तों इन्होंने इसको फिर वर्गीकृत किया। तो देखिए इसमें जो अनिवार्य विषय रखे गए वो क्या क्या रखे गए, पहले तो मातृभाषा, इसके अलावा फिर हिंदी, ठीक, जो कि अहिंदी भाषा भाषियों के लिए थी, ठीक है, अथवा प्रारंभिक अंग्रेजी उनके लिए जिन्होंने निम्न माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, ठीक है, अथवा उच्च अंग्रेजी अथवा कोई अन्य आधुनिक संज्ञेय भाषा अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य विदेशी भाषा या फिर कोई शास्त्रीय भाषा। इसके अलावा समाज विज्ञान केवल प्रथम 2 वर्षों के लिए, इसके अलावा गणित और सामान्य विज्ञान केवल प्रथम 2 वर्षों के लिए, कोई एक शिल्प, ठीक है, कताई बुनाई काष्ठकला धातु का काम बागवानी सिलाई कढ़ाई मुद्रण मॉडल बनाने के काम और दस्तकारी, ये सभी दोस्तों इन्होंने माना कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में ये विषय आपके होने चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव से। तो शिक्षण विधियों के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिए, इन्होंने सिंपली उस समय पर प्रयोग किए जाने वाली दोस्तों शिक्षण विधियां थी उनकी कटु आलोचना करी। इन्होंने ये बोला कि शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें रटने पर बल ना देकर समझने पर दोस्तों बल देना चाहिए, करके दोस्तों सीखने पर इन्होंने अधिक बल दिया, ओके। इसके अलावा बच्चों की भी दोस्तों इसमें क्या होनी चाहिए, सक्रिय साझेदारी होनी चाहिए, ठीक है, तो बच्चों को क्रियाविधि और योजना विधि यहाँ पर उपयुक्त है। इसके अलावा तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए सिर्फ दृश्य श्रव्य सामग्री का भी दोस्तों प्रयोग होना चाहिए, ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग होना चाहिए। ऐसी विधियों का प्रयोग करें जो कि मंद सामान्य और प्रतिभाशाली सभी छात्रों के लिए उपयोगी हो, ठीक है। प्रायोगिक विषय को आपने प्रयोग विधि से पढ़ाना है, स्वाध्याय को दोस्तों प्रोत्साहन देना है, सीखे हुए ज्ञान और क्रियाओं के प्रयोग के भी अवसर छात्रों को प्रदान करने हैं ताकि उनका सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो सके। इसके बाद दोस्तों माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के संबंध में उनके क्या सुझाव थे, तो प्रत्येक प्रांत में एक पाठ्य पुस्तक समिति का गठन करने की दोस्तों बात इन्होंने करी और इस समिति का कार्य यही होगा कि वो अच्छी पुस्तक पुस्तकें तैयार करें और अच्छी पाठ्य पुस्तकों का चयन करें, ओके। इसके अलावा समिति पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के संबंध में नियमों का भी निर्माण करेगी, ओके, और उन्हीं के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करवाएगी। इसके अलावा पाठ्यपुस्तकों के लिए चित्र बनाने प्रशिक्षण हेतु स्वतंत्र संस्था का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कक्षा के लिए भाषा की पुस्तकें निश्चित की जाएंगी, किसी भी कक्षा के लिए भाषा की जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो निश्चित होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन पेपर बनाने में दिक्कत ना हो, ओके। इसके अलावा कक्षा के लिए भाषा को छोड़कर अन्य किसी विषय पर 3-4 अच्छी पाठ्यपुस्तकों का चयन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसे प्रसंग ना हो जिनमें किसी वर्ग विशेष को कोई ठेस पहुंचे, यानी कि पाठ्यपुस्तकों में ऐसे प्रसंग ना हो जिससे कि किसी वर्ग विशेष को ठेस पहुंचे। इसके अलावा जो पाठ्यपुस्तक है उनको बार बार बदला नहीं जाना चाहिए, ओके। इसके बाद माध्यमिक स्तर पर चरित्र निर्माण और अनुशासन संबंधी क्या सुझाव दिए इन्होंने, तो देखिए इन्होंने यही माना कि छात्रों के चरित्र निर्माण और अनुशासन का उत्तरदायित्व सभी शिक्षकों का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक और छात्रों के बीच में निकट संबंध होने चाहिए, तभी जाके दोस्तों क्या होंगे, वे अनुशासन की भावना उनमें विकसित होगी। स्व अनुशासन के विकास पर दोस्तों बल दिया जाना चाहिए, ठीक है, इसके लिए स्वशासन होना चाहिए, प्रीफेक्ट प्रणाली गृह प्रणाली विद्यार्थी परिषद आदि का दोस्तों यहाँ पर इन्होंने निर्माण की बात की जाए, ठीक है ना। इसके अलावा साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, विद्यालयों में खेल कूद स्काउटिंग प्राथमिक चिकित्सा रेड क्रॉस एनसीसी आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना और चुनाव प्रचार करना गैरकानूनी होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके उनमें उनका चरित्र निर्माण होगा, अनुशासन उनमें विकसित होगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित भी इन्होंने सुझाव दिए थे कि उनकी शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव और इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सुझाव और इसके अलावा उनके वेतन और सेवा शर्ती सुझाव भी इनके द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो ये तीनों क्षेत्र में भी इनके द्वारा सुझाव दिए गए। तो सबसे पहले इनके प्रशिक्षण संबंधी क्या क्या सुझाव दिए, इन्होंने सिंपली ये बोला कि 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, एक निम्न माध्यमिक कक्षाओं के लिए और एक दूसरे माध्यमिक यानी कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए। जो निम्न माध्यमिक शिक्षकों के शिक्षक होंगे उनके प्रशिक्षण राज्य के शिक्षा विभाग से संबद्ध होना चाहिए, न्यूनतम योग्यता इनकी हायर सेकेंडरी होनी चाहिए और प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद जो माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण है वो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से संबद्ध होना चाहिए, ओके, और इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, प्रशिक्षण काल 1 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद योग्य अभ्यर्थियों को ही इसमें प्रवेश दिया जाना चाहिए, ओके, और जब शिक्षक
प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय हैं उसमें जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का शुल्क उनसे नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रमों में सिद्धांत और प्रायोगिक प्रशिक्षण को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए। दो पाठ्य विषयों के शिक्षण और कम से कम दो सहपाठ्यचर्य क्रियाओं के आयोजन में इनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शोध कार्य को बढ़ावा देना है। प्रायोगिक प्रशिक्षण और शोध कार्य हेतु डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। अंशकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये इस तरह के दोस्तों इन्होंने सुझाव दिए। समय समय पर अभिनव पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। इसके अलावा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एमएड में उन्हें ही प्रवेश दिया जाए जो स्नातक प्रशिक्षण बीएड उत्तीर्ण हो। तो इस तरह से दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी इनके सुझाव थे। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में क्या क्या सुझाव थे इन्होंने, तो नियुक्ति के संबंध में दोस्तों चयन संबंधी सामान्य नियम दोस्तों बनाए जाएँ शिक्षकों के चयन के संबंध में। इसके अलावा जो गैर सरकारी स्कूल में है उसमें शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया जाए, उसके माध्यम से ही फिर उनका चयन होगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रथम नियुक्त शिक्षक हैं उनका परीक्षण काल होना चाहिए, यानी कि प्रोबेशन पीरियड भी होना चाहिए, साधारणतः वो एक वर्ष का होना चाहिए, ओके। फिर इनके बाद इनके वेतनमान और सेवा शर्ती संबंधी सुझाव थे। शिक्षकों का वेतनमान निश्चित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। समान योग्यता और समान कार्य करने वाले शिक्षकों को वेतनमान समान दिया जाए। प्रधानाचार्य को उच्च वेतन दिया जाए। शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड, बीमा और पेंशन की सुविधाएं दी जाएं। पूर्णकालीन प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स और शैक्षिक संगठनों में भाग देने पर के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए, ठीक है। यानी कि जब अवकाश जाए तो पूर्ण वेतन इनको मिले। इसके बाद शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क दी जाए। निःशुल्क चिकित्सा की इनको सुविधा दी जाए। कठिनाइयों और झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक आर्बिट्रेशन बोर्ड का भी गठन किया जाए, जो कि शिक्षकों की जो भी कठिनाइयाँ हैं या फिर झगड़े हैं उनके निपटारा करने के लिए। इसके अलावा जो योग्य एवं स्वस्थ शिक्षक हैं उनको 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट दिया जाए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कभी भी स्वीकृति ना दी जाए। इसके अलावा दोस्तों देखिए छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित उन्होंने सुझाव दिए थे कि स्कूल में स्वास्थ्य सेवा योजना स्टार्ट की जाए। और इसके अलावा छात्रों का वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण हो। अस्वस्थ छात्रों का वर्ष में कई बार स्वास्थ्य परीक्षण हो। सामान्य रोगों का स्कूल में निःशुल्क इलाज किया जाए। इसके अलावा छात्रवासों में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाए। ये इनके द्वारा सुझाव थे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी सुझाव। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में इनके क्या सुझाव थे तो देख लीजिए। सबसे पहले भवन की साज सज्जा, यानी कि उचित भवन होना चाहिए। फर्नीचर और अन्य सामग्री होनी चाहिए। छात्र संख्या 500 से 750 तक दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में उचित भवन, फर्नीचर, अन्य सामग्रियाँ दोस्तों होनी चाहिए। इसके अलावा पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ, अच्छे स्तर के पुस्तकालय हों, साज सज्जा संपन्न प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुविधाएं, छात्रों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्य दिवस की दोस्तों बात करें तो माध्यमिक विद्यालय में सत्र में कम से कम 200 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। प्रति सप्ताह 35 घंटे का कार्य हो और सप्ताह में एक दिन मध्याह्न अवकाश के बाद सहपाठ्यचर्य क्रियाएँ हों, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी होनी चाहिए, ओके। अवकाश की बात करें तो माध्यमिक विद्यालय में 2 माह का ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अवकाश दिया जाए। 10-10 दिन के 2 लंबे अवकाश और सभी सरकारी अवकाश हो, किंतु कुल मिलाकर ये 160 दिन से अधिक नहीं होने चाहिए। तो प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में 2 माह का ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अवकाश होना चाहिए। 10-10 दिन के 2 लंबे अवकाश और सभी सरकारी आवास हो, परंतु कुल मिला के 160 दिन से अधिक नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 200 दिन का कार्य दिवस कम से कम होना चाहिए और 160 दिन का अवकाश भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर इन्होंने शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन और परामर्शन संबंधी भी दोस्तों सुझाव दिए थे कि राज्य में एक शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना दोस्तों की जाए, ठीक है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन और परामर्श सेवा की भी व्यवस्था की दोस्तों इन्होंने बात की, ठीक है। इसके अलावा जीविकोपार्जन शिक्षक और मार्गदर्शकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी केंद्र सरकार करे, ओके। इसके अलावा मार्गदर्शन छात्रों के व्यक्तिगत भेदों, रुचि, रुझान और योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जो गाइडेंस और काउंसिल देते समय, काउंसलिंग करते समय छात्रों की परिस्थितियों और उनकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देते समय भविष्य की संभावना का भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की परीक्षा से संबंधित क्या सुविधा होते, परीक्षा संबंधी ये है कि दोस्तों की जो बाह्य परीक्षा है वो कम की जाए, केवल
यह केवल जो शिक्षाएं जो भी आपकी जो आप जो टेस्ट दोस्तों ले रहे हैं ये केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं इनमें सुधार किया जाए और विचार प्रधान प्रश्न इसमें पूछे जाने चाहिए, थॉट ओरिएंटेड प्रश्न। परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बनाने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षाओं की समाप्ति पर अंतिम मूल्यांकन केवल बाह्य परीक्षा पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, इंटरनल असेसमेंट भी लगातार होना चाहिए, यानी कि आंतरिक परीक्षाओं के परिणाम को भी स्थान देना चाहिए। इसके अलावा छात्रों की प्रगति का ब्यौरा रखने के लिए एक संचरी अभिलेख या आप कह सकते हैं संचयी अभिलेख जिसको हम कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं, इसका प्रयोग भी होना चाहिए। मूल्यांकन परिणाम प्रतिशत अंकों में प्रकट न करके ग्रेड्स में प्रकट किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें 5 पॉइंट स्केल्स की इन्होंने बात करी थी। बाह्य परीक्षा में किसी भी एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए सम विभागीय परीक्षा की व्यवस्था की जाए, कंपार्टमेंट परीक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ये माध्यमिक शिक्षा संबंधित इनके सुझाव। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित क्या है, हस्तकला की शिक्षा को इन्होंने बोला कि अनिवार्य होना चाहिए। माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी वाणिज्य कृषि वर्ग में जो के जो पाठ्यक्रम है व्यवसाय में इसमें तकनीकी शिक्षा प्रधान होनी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों के बहुउद्देशीय स्कूलों में बदला जाए जहाँ पर इनको विभिन्न प्रकार के हस्त कौशलों की शिक्षा दोस्तों यहाँ पर दी जाए। बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाए, ओके। इसके अलावा इन तकनीकी स्कूलों को स्थानीय उद्योगों में एक निकट संबंध होना चाहिए, ठीक है, और एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, तभी जाके इन्होंने उद्योगों पर कर की बात कही थी, ठीक है, जिससे कि तकनीकी शिक्षा दी जा सके। इसके बाद स्त्री शिक्षा के संबंध में भी इनके सुझाव थे कि बालकों को की तरह बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो। इसके अलावा बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था की जाए, माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान वर्ग की अलग से व्यवस्था हो, आवश्यकता अनुसार बालिका विद्यालय और सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन को भी इन्होंने स्वीकृति दी थी। इसके बाद धार्मिक और नैतिक शिक्षा संबंधी भी इनके सुझाव थे। इन्होंने ये बोला कि भाई माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य ना किया जाए, मतलब कि नैतिक और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ओके। और अगर अभिभावक हैं उनकी स्वीकृति के आधार पर ही चाहें तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है, लेकिन यह शिक्षा स्कूल कार्य प्रारंभ होने से पहले या फिर उसके समाप्त होने के बाद वॉलंटरी तौर पर दी जा सकती है। इस तरह के दोस्तों इनके सुझाव थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे फाइनली कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या प्रभाव दोस्तों पड़ा। तो देखिए हमें इससे क्या क्या हमें दोस्तों लाभ मिले। देखिए पहला लाभ की बात करें कि केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का दोस्तों गठन हुआ, ठीक है, पहला लाभ दोस्तों इसका था सेंट्रल की तरह, ठीक है, केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का दोस्तों गठन हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि सामान्य विज्ञान का अध्ययन दोस्तों यहाँ पर से अनिवार्य दोस्तों हो चुका था, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा लाभ मिला वो ये था कि मातृभाषा को माध्यमिक शिक्षा का माध्यम दोस्तों बनाया गया, क्योंकि उस समय पर अंग्रेजी दोस्तों इंपॉर्टेंट थी, मानी गई थी। इसका चौथा लाभ था कि दोस्तों जो शिक्षकों के प्रशिक्षण वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार किया गया। पाँचवा लाभ ये था कि कुछ माध्यमिक विद्यालयों में NCC की व्यवस्था भी दोस्तों स्टार्ट हो गई थी। और छठा लाभ था कि कुछ प्रांतों में प्रांतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन और परामर्श की सुविधा दोस्तों दी गई थी, जैसा भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा जो सातवां और अंतिम लाभ था कि परीक्षाओं में सुधार आंदोलन स्टार्ट हुआ, यानी कि परीक्षाओं में सुधार दोस्तों किया गया। तो ये था दोस्तों आपका पूरा माध्यमिक शिक्षा आयोग का कच्चा चिट्ठा, जिसको कि हमने दोस्तों पूरी तरह से इस क्लास में समाहित करने की दोस्तों कोशिश करी है। आई होप कि दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।